हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब, हेलो एवरीवन। मैं हूँ फराह खान। आज हम बनाएंगे भुट्टे का किस। देखिए, ये हम भुट्टे को इस तरह से कीस लेंगे। आप चाहें तो भुट्टे जो नरम दाने भरे हुए होते हैं, मैं देसी भुट्टों का बना रही हूँ इसलिए कीस रही हूँ, आप चाहें तो उसके दाने निकाल कर भी आप उसके किस बना सकते हैं। देखिए, हमें उसके लिए इन्ग्रीडियंट्स क्या क्या चाहिएगा। भुट्टे का किस, हमें प्याज, खड़ा गरम मसाला जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू, तेल, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और छाछ या दही जो भी अवेलेबल हो आपके पास, ज़ीरा और राई और शक्कर बस, और थोड़ा सा गरम मसाला जो कि मैं आपको बताना भूल गई हूँ। आइए, अब हम एक कढ़ाई में सबसे पहले तेल गरम करते हैं। ये हमने कम से कम 3 पली तेल लिया है। और हाँ, मेरी कढ़ाई, मैंने जो भुट्टे का किस बना रही हूँ उसमें कम से कम 2 किलो भुट्टे लिए हैं। आप इससे कम भी ले सकते हैं, जितना आपको मतलब ठीक लगता हो, आपकी फैमिली के हिसाब से, 4 लोगों के हिसाब से। हम 4 लोग 2 किलो में आराम से खा सकते हैं पेट भर कर। ये देखिए, हमने अब ये तेल गरम हो गया है हमारा। अब उसके अंदर हम खड़ा गरम मसाला फ्राई कर लेंगे, जिसके अंदर हमने डाला है तेज़पत्ता, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तज और एक लौंग। ठीक है, अब ये हम इसको पूरे गरम मसाले को निकाल लेंगे ताकि ये हमारे मुँह में नहीं आए, क्योंकि हम इसे चम्मच से खाते हैं। देखिए, अब हम इसमें राई और ज़ीरा एक साथ डाल देंगे। हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, जो कि हमने बारीक खचका काट कर रखी है। ये देखिए, हमने इसमें प्याज भी डाल दी है। प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करते रहेंगे, बीच में चलाते रहेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ग्रीन हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे। ये देखिए, हमने 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसके अंदर डाल दी है। 2 प्याज हमने बारीक काट कर डाली है इसके अंदर, और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद ना हो तो आप कम हरी मिर्च यूज़ करें एज़ पर द टेस्ट। अब हम इसके अंदर 4 से 5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये देखिए, मैंने 4 से 5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है इसके अंदर। अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे, और ये हमारा भून चुका है। उसमें हमने टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर को भी अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब इसके अंदर हमने जो भुट्टी का किस निकाल कर रखा था, जो हमने मिक्सर में पीस लिया था, उसको हम इस तरह से कढ़ाई में डालकर सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसको चलाते रहेंगे, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हमने वो छोड़ दिया तो वो चिपक जाएगा। हम ये नमकीन बना रहे हैं इसलिए हमने इसके अंदर तेल यूज़ किया था। आप चाहें तो आप इसके अंदर घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमारा लगभग लगभग सिकने आया है, हम हल्का हल्का सिकते जाएंगे इसको। अब हम इसके अंदर आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, 1 से 2 चम्मच नमक डालेंगे हम इसके अंदर, अच्छे से मिक्स कर देंगे और आसपास से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और उसको हिलाते रहेंगे। ये देखिए, लगभग हमारा सिकने भी आया है। ये देखिए, हमारा लाइट लाइट सा सिक भी रहा है। ये देख रहे होंगे कढ़ाई के अंदर हल्का हल्का चिपक रहा है। इसको चिपकने नहीं देना है, इसको चलाते रहना है। देखिए, इसमें अंदर अब हम, ये हमारा सिक चुका है। अब इसके अंदर हम लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ी सी शक्कर डालेंगे और 1/2 नींबू का जूस डालेंगे हम, लगभग 1 और 2 टीस्पून। ये देखिए, अब हम इसके अंदर ये दही डाल रहे हैं। अगर आपके पास छाछ अवेलेबल हो तो आप इसको पूरा छाछ में भी बना सकते हैं। जहाँ हम पानी डाल रहे हैं, आप किसी उसकी जगह छाछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद आता हो, भटूरा या भुट्टे का किस, तो उसे खट्टा भी बना सकते हैं। और हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बढ़ाते जाएंगे। एक साथ पूरा पानी नहीं डाल देना है इसके अंदर, क्योंकि इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, इसलिए पहले थोड़ा सा पानी डालिए और फिर उसको मिलाइए। फिर देखिए, हमारे जो किस है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए। उस हिसाब से, कंसिस्टेंसी के हिसाब से हम उसके अंदर पानी मिलाते रहेंगे। देखिए, मैंने इसके अंदर 4 से 5 कप पानी मिलाया है इस किस के अंदर, नमकीन किस के अंदर। अब हम इसे पकने देंगे। देखिए, हमारा पक चुका है लगभग। अब हम इसमें खुशबू के लिए ऊपर से घर का पीसा हुआ गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून, और अब हम ये इसके ऊपर हरा धनिया डेकोरेशन के लिए डाल देंगे। अब देखिए, हम हरे धनिए को अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद उसके अंदर, और ये लगभग हमारा किस तैयार है। देखिए, ये हमने सर्विंग प्लेट में भी निकाल चुके हैं।
आइए फ्रेंड्स को टेस्ट करते हैं ये किस तरह का कैसा लग रहा है। अगर आप भी अपने घर पर बनाइए और टेस्ट कीजिए और मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। कमेंट भी ज़रूर करिएगा मेरा इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और बाय बाय।